हमारे देश को बनाने में यदि एक चीज रहा है वो संविधान रहा है, और आज की तारीख में यदि वो इन चीजों को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हमारे जानने के हक को खत्म कर रहे हैं, हमारे सूचना के अधिकार को खत्म कर रहे हैं, हमारे जमीन के हक को खत्म कर रहे हैं, हमारे पानी के हक को खत्म कर रहे हैं, हमारे बोलने के हक को खत्म कर रहे हैं, तो ये संविधान खत्म कर रहे हैं, तो ये देश भी खत्म कर रहे हैं। तो एक नारा मैं चाहूंगा कि हम लगाएं, संविधान बचाओ, और आप कहेंगे देश बचाओ। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। तो जोरदार रूप से हम ये एक नारा लगाएं, मैं कहूंगा संविधान बचाओ, आपके देश बचाओ। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। तो संविधान के हक को तोड़ने वाले लोग देश के विरोधी हैं कि नहीं? विरोधी है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की सूचना के अधिकार के हक तोड़ रही है वो देश विरोधी है कि नहीं है? और वो क्या लांछन लगाते हैं हमारे ऊपर कि ये देश विरोधी है? जो विरोध की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उसको वो कहते हैं कि ये देश विरोधी है। असली देश विरोधी कौन है? वो लोग जो हमारे जमीन के हक ले रहे हैं वो देश विरोधी है कि नहीं है? वो किसान विरोधी जो है वो देश विरोधी है कि नहीं है? वो मजदूरों के नीति के विरोधी है वो देश विरोधी है कि नहीं है? तो ये सारे चीजें बाबा साहब अंबेडकर के साथ और साथी लोगों ने हमें ये एक संविधान दिया जिसके आधार पर हम लोग सूचना के अधिकार, जिसकी बात अंजलि जी ने कही, वो बात कहां से आई? वो एक जन आंदोलन से आई, लेकिन जन आंदोलन को भी जगह कहां से मिला? उस संविधान से मिला। संविधान ने कहा कि हर व्यक्ति जानेगा कि एक एक पैसे का हिसाब क्या है, वो हर व्यक्ति जानेगा। तो एक और नारा मैं चाहूंगा हम लगाएं इसका कि ये पैसा सरकार का पैसा किसका है? किसका है? हमारा है। तो मैं नारा लगाऊंगा हमारा पैसा, और ये हिसाब किसका है? हमारा है। सरकार का है या हमारा है? हमारा है। हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा हिसाब। जोरदार रूप से, हमारा पैसा, हमारा हिसाब, हमारा